कम से कम 800 या 1100 इतनी तो होंगी करीब। तो ये जो है ये मन का सुपारी है। राधे राधे। तो भक्तों अभी हम जो है मतलब जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं। जो बड़ी वाली परिक्रमा होती है गोवर्धन जी महाराज की, गिरिराज जी की, तो उस पर जो हम जो है जो मतलब जो दिव्य स्थान है उनकी तलाश में है हम। जो प्रमुख दिव्य स्थान है कि हम जो मतलब निकले हैं कि जो दिव्य स्थानों का आपको दर्शन कराएँ, और जो बहुत ही दिव्य संत महात्मा पुरुष रास्ते में जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके भी दर्शन आपको अपने चैनल के माध्यम से कराएं। तो इसी कड़ी में हम जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लगभग 4-5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। एक यहाँ पे महाराज जो है देखिए किस तरह से कठिन जो परिक्रमा कर रहे हैं, ये भी पता नहीं है कि इन्हें कितना टाइम हो गया। और इन्होंने जो है बहुत सारे वो रख रखे हैं, कम से कम थोड़ा सा आगे निकलिए महाराज जी के पास को। तो इतनी कठोर परिक्रमा यहाँ पे महाराज के द्वारा हो रही है। आप देखें यहाँ पे इन्होंने जो एक ही जगह पे कितनी बार तो जो मतलब परिक्रमा कर ली है डनबट, और बाकी जो इतने सारे सामान ही पीछे रखे हुए। थोड़ा समय आगे आ जाता हूँ मैं, ऐसे तो बहुत कठिन है महाराज जी के लिए। महाराज जी कितनी परिक्रमा को कितना टाइम हो गया आपको महाराज? तो महाराज को जो काफ़ी मेहनत पड़ रही है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो दिखा तो जो बहुत मेहनत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख ही रहे हैं एक तरह से जो आदमी मतलब एक बार लेटना उठना, एक बार कम से कम 1000 परिक्रमा से भी ज़्यादा का जो है एक बार में है। देखें आप यहाँ पे कितना सारा ढेर जो लगा हुआ है, बहुत बड़ा विशाल ढेर है। और हर बार उठना और फिर लेट के वो आगे रखना, इस तरह से जो एक ही जगह पर कम से कम मुझे तो लग रहा है 2-3 घंटे का टाइम तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कम लग ही जाएगा। ज़्यादा भी हो सकता 4-5 घंटे भी यहाँ पे लगे एक बार में, मतलब यहाँ से वहाँ तक चलने में ही। तो ये जो आप परात में देख रहे हैं, एक परात आगे रखी हुई है, एक परात जो पीछे रखी हुई है महाराज ने। और कितनी कठिन मतलब भक्ति का कोई जो मतलब रूप नहीं होता, एक पराकाष्ठा कह सकते हैं इसे आप। इसमें जो ये सुपारी, शायद सुपारी बोलते हैं, जो ठाकुर जी के रूप में है। एक बार एक ठाकुर जी उठाए, आगे रख दिए लेट के, फिर दोबारा से उठे, फिर तो मतलब ऐसा बता रहे हैं ये एक भाई हैं यहाँ पे कि इन्हें जो लगभग 5 साल यहाँ तक पहुँचने में लग गए, जो मतलब वहाँ से इन्होंने परिक्रमा शुरू करी है। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी यहाँ तक पहुँचने में 4-5 साल लग गए, तो पूरी परिक्रमा करने में कम से कम 20 साल का समय तो यहाँ पर लग ही जाने वाला। तो ये जो एक अनूठा वो है, ये आप सनातन संस्कृति जो है हमारी हिंदुस्तान की जो सनातन संस्कृति है उसका यहाँ पर एक वो देख सकते हैं, एक रूप ये भी है। तो परिक्रमा मार्ग में वैसे तो बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर, लेकिन इतनी कठिन मतलब परिक्रमा इस उम्र में, उम्र भी काफ़ी हो चुकी है महाराज की। देख रहे हैं आप बाल भी जो है जटा बनी हुई है। तो महाराज तो काफ़ी व्यस्त है, बहुत मेहनत पड़ती है इस तरह से परिक्रमा लगाने में। ये इन्हीं के स्थानीय निवासी हैं। सर आपका नाम? सुरेश है जी। सुरेश जी, तो आपने तो इन्हें देखा होगा अगर यहीं के रहने वाले, कितना टाइम हो गया लगभग? नहीं ये बाबा तो ये मैं इतना तो नहीं जानता कहाँ के हैं, वैसे ये गंडोती करते वहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ी दूर में कई दिन लगे। हाँ बहुत समय लगता है इसमें, क्योंकि कम से कम मुझे लग रहा है 1000 परिक्रमा तो एक साथ चली रही है। बिल्कुल, ये जितनी भी ये दिख रही है ना आपको ये सुपारी, ये सारी पता नहीं कम से कम 800 या 1100 इतनी तो होंगी करीब। हाँ 1008 भी हो सकती है। हाँ इतनी भी हो सकती है, इतनी बारी ही दंडोती करनी पड़ेगी इन्हें एक ही जगह। और ऐसे ही चल के जो आगे तक जाना है, तब जाके जो ये परिक्रमा पूरी होगी, ये संपन्न हो जाएंगे, पूरी भी नहीं कर पाएंगे शायद। मुझे लगता है पहले शायद ठाकुर जी के लोक में चले जाए, बस उनकी कृपा होगी तो। तो मतलब वही है कि काफ़ी मेहनत है, अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा के मार्ग पर लगे भक्ति मार्ग पर पता लगा किस दिन जो ठाकुर जी ने बुला लिया, और परिक्रमा भी बीच में ही रह गई और जो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो हाँ बहुत तो ये जो है ये मन का सुपारी है, इनके द्वारा जो महाराज 1200 परिक्रमा एक साथ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, और क्योंकि हमने डिस्टर्ब नहीं किया था महाराज को, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रही है परिक्रमा में। आप यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा आराम के लिए रुके थे महाराज, तो बातचीत हुई थी महाराज जी से। लगभग 38 साल बताया शायद महाराज के यहीं पर हो गए जो परिक्रमा मार्ग में इसमें, और अभी जो पता नहीं कितना टाइम और लगने वाला है ये कोई जानकारी नहीं है। और काफ़ी जो महाराज जी की लोग वीडियो बना के भी ले जाते हैं ऐसा भी बता रहे थे, जो कुछ वायरल वगैरह भी हुई हैं शायद। तो महाराज जो परिक्रमा कर रहे हैं साष्टांग दंडवत 1200 मन का परिक्रमा जो ये हो रही है, क्योंकि अभी हम नॉर्मल लोग हैं तो हमें इतनी जो जानकारी नहीं होती है, हम जो अलग माहौल से आते हैं। और महाराज का तो ये जो काफ़ी समय इसमें गुजर चुका है, तो जो हम अभी जो है महाराज जी को परिक्रमा करने देते हैं। तो महाराज जी जो अपनी परिक्रमा में व्यस्त हैं, देख रहे हैं आप प्रभु जी की जो भक्ति में लीन है, और हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपना जो परिक्रमा में रहने देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हो सके तो सपोर्ट करें। आइए हम जो परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे।